Hello friends, in the previous lecture we discussed about bisection method and its example. Now today we discuss one more example using bisection method. So example number 8, solve x equal to cos x by the bisection method correct to 2 decimal places. So find out the roots of the equation. So here x equal to cos x, so first convert in fx form. So here fx equal to x minus cos x. So right side जो cos x है वो हम left side में लेंगे तो वो क्या होगा minus. So अगर आप कैल्सियम में वैल्यू फाइंड करने जा रहे हो तो सबसे पहले कैल्सियम में जो यहाँ पे त्रिकोणमेट्रिक फंक्शन है तो कैल्सियम में रेडियन में कन्वर्ट करना है डिग्री की जगह. So first convert in radian form. And after the value substitute x equal to 0, x equal to 1, x equal to 2, x equal to 3, x equal to 4. कब तक रखना है हमें वैल्यू? जब फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव टू पॉजिटिव नहीं मिल रही तब तक. सो हम स्टार्ट कर रहे हैं 0 से. अगर हम फंक्शन में x की जगह 0 रखें तो क्या होगा? 0 माइनस कॉस 0. लेकिन कॉस 0 का आंसर पता है 1, सो आंसर होगा माइनस 1. सो ये नेगेटिव वैल्यू मिली. अब 1 पे वैल्यू चेक कर दें, x के रिप्लेस में 1 रखेंगे. सो x की जगह 1 रखेंगे तो 1 माइनस कॉस 1 होगा. सो 1 माइनस कॉस 1 करोगे आप तो आपको आंसर मिलेगा 0.4597. तो यहाँ पे मिल रही पॉजिटिव वैल्यू. सो पहले नेगेटिव वैल्यू थी फिर बाद में पॉजिटिव वैल्यू मिल रही, तो हमें यहाँ पे स्टॉप हो जाना है. तो हम बता सकते हैं कि जो रूट है वो लाइज बिटवीन 0 एंड 1. सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि सिंस f ऑफ 0 इज लेस देन 1 एंड f ऑफ 1 इज ग्रेटर देन 0, सो द रूट लाइज बिटवीन 0 एंड 1. अब हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट लेके दोनों का मीन्स x1 की वैल्यू निकालेंगे. x1 मीन्स 0 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, इट मीन्स 0.5. अब ये जो नई वैल्यू मिली x1 की, वो वैल्यू फिर से हम फंक्शन में रखेंगे, उसमें चेक करेंगे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है या पॉजिटिव. सिमिलर f ऑफ x1 मीन्स f ऑफ 0.5, अगर x की जगह 0.5 फंक्शन में रख रहे हो आप ये फंक्शन में, सो आपको आंसर मिल रहा है माइनस 0.3776. यहाँ पे नेगेटिव है तो आगे के सम में जो देखने जाए तो नेगेटिव आंसर यहाँ पे क्या मिल रहा है, 0 पॉइंट पे, और दूसरा जो आंसर मिल रहा है 0.5 पे. सो 0 की रिप्लेस में हम क्या रखेंगे अब 0.5, और 1 पे पॉजिटिव तो एज इट इज रखेंगे. सो द रूट लाइज बिटवीन 0.5 एंड 1. सिमिलर सेम प्रोसीजर कंटिन्यूस करेंगे हम. x2 लेंगे, x2 का मतलब होगा 0.5 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, तो आंसर मिल रहा है 0.75. x2 का वैल्यू जो है वो फंक्शन में वापस रखेंगे, सो वी गेट f ऑफ x2, इट मीन्स f ऑफ 0.75, तो आपको आंसर मिल रहा है 0.0183. यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू x2 पे पॉजिटिव मिल रही है. आगे की साइड देखने जाओ तो पॉजिटिव कहाँ पे मिल रही थी, 1 पे. सो 1 की रिप्लेस में अब लिखेंगे 0.75. सो हमारा जो इंटरवल है पहले 0-1 था, तो 0 पे नेगेटिव थी, 1 पे पॉजिटिव. यहाँ पे 0.5 जब पॉजिटिव आई, 0.5 पे नेगेटिव थी, तो 0 की रिप्लेस में 0.5 किया, 1 एज इट इज. अब देखते हैं पॉजिटिव वैल्यू में, तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है 1 की जगह, तो 1 की रिप्लेस में अब क्या लिखेंगे हम, x2 की वैल्यू 0.75. सो द रूट लाइज बिटवीन 0.5 एंड 75 लिख सकते हो आप, क्योंकि एक जगह पॉजिटिव एक जगह नेगेटिव है. सो एवरेज लेंगे वापस, सो x3 इक्वल टू 0.5 प्लस 0.75 लिख सकते हो आप, 0.75 प्लस 0.5 लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिवाइड बाई 2 करो, आंसर मेरा 0.625. फिर से फंक्शन में रखेंगे f ऑफ x3 इक्वल टू 0.625, आंसर मिल रहा है नेगेटिव. तो अब मुझे बताओ नेगेटिव कहाँ पे मिल रहा है, नेगेटिव हमें 0.5 पे मिल रहा था, सो 0.5 की जगह रिप्लेस होगा 0.625. जो नई वैल्यू हमें पॉजिटिव नेगेटिव मिले उसे हम रिप्लेस करते रहेंगे. सो हमारा जो रूट लाइज बिटवीन 0.625 एंड 0.75. चेक करते हैं हम आगे. सो फिर से मिड पॉइंट लेंगे x4, उनका मिड पॉइंट मिल रहा है 0.6875.
वापस फंक्शन में रखेंगे तो एफ ऑफ एक्स फोर आंसर नेगेटिव मिल रहा है, तो नेगेटिव मीन्स 0.625 की जगह अब रिप्लेस होगा 0.6875। सो यहाँ पे लिखेंगे द रूट लाइज बिटवीन 0.6875 एंड 0.75। नेक्स्ट रखेंगे वैल्यू x5 इक्वल टू दोनों का मिड पॉइंट लेंगे, मिड पॉइंट लेने के बाद हमें आंसर ये मिल रहा है 0.71। एफ ऑफ एक्स वाई लिया हमने, एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू नेगेटिव मिल रही है। ये आंसर कब तक हमें फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें बोला है कि टू डेसिमल प्लेसेस, इट मीन्स पॉइंट के बाद ये टू नंबर है वो सेम होने चाहिए, लेकिन अभी तक सेम हुए नहीं है, तब तक हम प्रोसीजर कंटिन्यूसली, मीन्स 0.71 है तो वहाँ पे दो पॉइंट है, वो दो पॉइंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। माइनस आया तो यहाँ पे उसकी रिप्लेसमेंट वापस रखेंगे, तो 0.6875 की जगह हम रखेंगे 0.71875 और 0.75 के बीच में, दोनों की एवरेज लेंगे तो वापस रखेंगे एवरेज आ रही 0.7344। अब देखो x5 और x6 का आंसर चेक करो आप, 0.7 0.7, तो वन डेसिमल सेम हो हुआ है, लेकिन हमें कितने डेसिमल चाहिए, दो डेसिमल सेम चाहिए, तो उसके लिए सेम कंटिन्यूस प्रोसीजर करते रहेंगे, तो एक्स आगे जाके हमें ऐसे दो पॉइंट मिलेगा वहाँ पे 0.71 की जगह कोई और नया नंबर मिलेगा, यहाँ पे वैल्यू मिल रही है नेगेटिव, वापस उसकी रिप्लेस में हम ए रखेंगे, फिर से मिड पॉइंट लिया 0.74 हुआ, फंक्शन में रखा 0.0052। यहाँ पे जो फंक्शन की वैल्यू है जो वो 0.00 समथिंग आ रही, उसका मतलब है आपका आंसर जो है वो नियरेस्ट है, जब फंक्शन की वैल्यू जीरो हो जाती है उसका मतलब है वो आपका रूट्स आ गया है। तो यहाँ पे पॉजिटिव है, पॉजिटिव 0.75 भी थी, तो 75 की रिप्लेसमेंट पॉइंट ये जो है होगा 0.7422, 0.7344 एंड 0.7422 के बीच में होगी, वापस मिड पॉइंट लिया ये हुआ। अब देखो यहाँ पे 74 है और 73 दोनों के बीच में 0.01 का डिफरेंस है, तो ऐसे ऐसे कंटिन्यूस प्रोसीजर करते रहोगे तो x9 x10 और लास्ट में x11 जो आ रहा है वहाँ पे 0.73 0.73, टू डेसिमल हमें चेक करने, तो हमें यहाँ पे स्टॉप हो जाना है, क्योंकि x10 और x11 का आंसर टू डेसिमल में सेम जा रहा है, तो बोल सकते हैं हम x10 एंड x11 आर द सेम अप टू टू डेसिमल प्लेसेस, द रूट इज जो यहाँ पे x10 या x11 का आंसर है वो लिख सकते हो आप, सो 0.75, सो करेक्ट रूट 0.75। अगर ऐसा बोले वन डेसिमल तक आपको आंसर लाना है, तो वन डेसिमल में यहाँ पे आंसर आ जाता है हमारा सीधा डायरेक्ट 0.7 आ रहा है, यहाँ पे 0.7 आ रहा है, तो यहाँ पे x5 और x6 का आंसर सेम आ रहा है, अदरवाइज आगे देखने जाओ तो 0.6 का आंसर भी सेम आ सकता था। अगर यही एग्जांपल में आपको ऐसा बोला है 5 इटरेशन, सो 5 इटरेशन की बात आती है, तो आपको x5 तक ही आंसर लाना है, और x5 का जो आंसर आ रहा है वो आप बोल सकते हो रूट्स अप टू 5 इटरेशन, एंड स्टेप बोल रहा है 5 स्टेप, तो 5 स्टेप में भी x5 तक आपको फाइंड करना है, ठीक है। आई होप ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा, तो यहाँ तक हमने देखा बाइसेक्शन मेथड, अब हम देखने जा रहे हैं सेकंड मेथड फाइंड आउट द रूट्स ऑफ इक्वेशन, रेगुलर फालसी मेथड, मेथड का नाम क्या है, रेगुलर फालसी मेथड। बाइसेक्शन मेथड से थोड़ी फास्ट है, जो आपका आंसर मिलेगा उसमें जल्दी मिलेगा आंसर, तो वो मेथड समझने से पहले मैं आपको थोड़ा ग्राफिकली बता देता हूँ कैसे हम ये मेथड का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे तो यहाँ पे जो फिगर दिख रही है एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है, यहाँ पे जो फंक्शन है वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, क्या है वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वाई भी बोल सकते हो या अदरवाइज एफ ऑफ एक्स बोलते हो। तो यहाँ पे एक आपको कर्व दिख रहा होगा, ये जो कर्व है हमारा वाई इक्वल टू एफ एक्स कर्व है, इट मीन्स ये जो फंक्शन है वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कर्व, उसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो उसका सॉल्यूशन जहाँ पे एक्स एक्सिस पे टच कर रहा है वो उसका सॉल्यूशन होगा, मीन्स वो उसका रूट होगा। तो यहाँ पे मान लो कि यहाँ अल्फा से डिनोट किया है अल्फा, तो यहाँ पे जो अल्फा है वो क्या है, फंक्शन जो वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है उसका रूट्स है।
वो रूट्स फाइंड करने के लिए यहाँ पे जो हम इस स्लोप का यूज़ कर रहा है, मान लो हम दो पॉइंट ले रहे हैं, एक पॉइंट यहाँ पे P है और एक पॉइंट Q है। P पॉइंट Q पॉइंट कैसे लिया, पहले तो हम क्या करेंगे, फंक्शन जो है उसकी पॉजिटिव वैल्यू और उसकी नेगेटिव वैल्यू फाइंड करेंगे। मान लो यहाँ पे y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जो आपका ग्राफ है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ओके, उसमें आप x की जगह x ज़ीरो रख रहे हो, मीन्स एफ ऑफ एक्स ज़ीरो होगा, एफ ऑफ एक्स ज़ीरो लेस देन जीरो आ रहा है, ठीक है, नेगेटिव आंसर दे रहा है, और x की जगह x1 रखे सो एफ ऑफ एक्स वन मान लो पॉजिटिव आ रहा है। तो यहाँ पे ग्राफिकल में देख रहा है आपको x जीरो, x की वैल्यू x ज़ीरो है तो ग्राफ की जो वैल्यू नेगेटिव में जा रही है, और x की वैल्यू x1 पे ले रहे हैं हम तो x1 की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। तो मान लो ये दो पॉइंट है x0 और ये है x1, तो उसके यहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ की, जो पॉइंट मिल रहा है मान लो कर्व के एंड पॉइंट पे, तो वो पॉइंट क्या होगा, x की वैल्यू x0 है और y की वैल्यू y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो x की जगह एफ ऑफ एक्स रखेंगे सो एक्स ज़ीरो रखेंगे तो एफ ऑफ एक्स ज़ीरो होगा। सो ये जो पॉइंट P है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हुए, एक्स ज़ीरो कॉमा एफ ऑफ एक्स ज़ीरो हुआ। सिमिलर Q के पॉइंट क्या हो गए, एक्स एक्सिस पे x1 है और y पे y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, लेकिन x की जगह एफ ऑफ एक्स1 तो एक्स1 कॉमा एफ ऑफ एक्स1 हुआ। अब हमें पता है स्लोप, स्लोप का इक्वेशन क्या होगा, सो m ये जो लाइन है वो स्लोप का इक्वेशन है। सो दो पॉइंट से पास आउट लाइन मीन्स m, m जो है वो होगा f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x0 डिवाइडेड बाय x1 माइनस x0, ठीक है। सो हियर स्लोप का इक्वेशन हो गया इक्वल टू, आप कर सकते हो एफ ऑफ एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स जीरो अपॉन एक्स टू माइनस एक्स जीरो, ये दो इक्वेशन के साथ आपने कंपेयर किया, ये एक्स टू पॉइंट लिया और ये उसके हिसाब से। सो उसके बाद आप वैल्यू रखोगे, सो एक्स टू पे आंसर क्या मिल रहा है, यहाँ पे जीरो मिल रहा है। देखो ये जो लाइन है पॉइंट एक्स टू वाला जो पार्ट है वो क्या है, फंक्शन एक्स एक्सिस पे टच है तो वहाँ पे फंक्शन की वैल्यू जीरो हो जाएगी। ये सब वैल्यू रखे तो हमें आंसर ये मिल रहा है। सो फाइनली आंसर जो आ रहा है एक्स टू इक्वल टू एक्स जीरो माइनस एक्स वन माइनस एक्स जीरो अपॉन एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स टू इंटू एफ ऑफ एक्स जीरो, विच इज अप्रोक्सीमेशन टू द रूट्स, ये फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन हुआ। एक्स टू की वैल्यू आएगी यहाँ पे आप कुछ भी नंबर मिलेगा आपको, सो ये यहाँ पे एक्स टू मिल रहा है। अब आपको फाइंड करना है फंक्शन में, रखो फंक्शन में एफ ऑफ एक्स टू की वैल्यू रखोगे आप, सो ये एफ ऑफ एक्स टू चेक करना है पॉजिटिव मिल रही है या नेगेटिव मिल रही है। अगर एफ ऑफ एक्स जीरो एंड एफ ऑफ एक्स टू आर ऑपोजिट साइन में आ रहा है, एक्स जीरो की वैल्यू और एफ ऑफ एक्स टू दोनों की ऑपोजिट साइन में आ रहा है तो द रूट लाइज बिटवीन एक्स जीरो एंड एक्स टू। सो नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन एक्स क्या रख सकते हैं हम, एक्स वन की रिप्लेस में हम क्या लिखेंगे, एक्स टू रखेंगे। तो यहाँ पर जो इक्वेशन है इस इक्वेशन में x1 की जगह क्या रख लेंगे, x2, और नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन है तो x2 की जगह यहाँ पे x3 लिखेंगे। बाकी देखो x0 जीरो एस एक्स जीरो, एक्स वन की जगह x2, x0 जीरो अपॉन एफ ऑफ एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स जीरो इंटू एफ ऑफ एक्स जीरो। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है, यहाँ पे जो हमने बताया कि एफ ऑफ एक्स जीरो और एफ ऑफ एक्स टू दोनों साइन ऑपोजिट में, अदरवाइज दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि द रूट लाइज बिटवीन एक्स जीरो एक्स टू था उसकी जगह एक्स वन और एक्स टू के बीच में आए तो क्या करेंगे, अगर एक्स वन और एक्स टू के बीच में आ रहा है तो हम जो नेक्स्ट एक्स रे जो फाइन करेंगे वो एक्स जीरो के रिप्लेस में क्या रख देंगे, एक्स वन। सो यहाँ पे जो इक्वेशन मिल रहा है एक्स थ्री इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन माइनस एक्स टू अपॉन एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स टू अपॉन इंटू एफ ऑफ एक्स टू। सो दिस प्रोसेस इज रिपीटेड टिल द रूट इज ऑब्टेन टू द डिजायर्ड एक्यूरेसी, जब तक हमें जितने स्टेप बोले वहाँ तक प्रोसीजर कंटिन्यूस करनी है। दिस इक्वेशन प्रोसेस इज नॉन एज अ मेथड ऑफ फॉल्स पोजिशन और रेगुलर फॉल्सी मेथड, दूसरा नाम है फॉल्स पोजिशन। ये मेथड हम एग्जांपल सॉल्व करने के बाद अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगी कैसे करना है। सो यूजिंग बाय मेथड ऑफ रेगुलर फॉल्सी फाइंड द रूट ऑफ इक्वेशन 2x माइनस लॉग बेस 10x इक्वल टू 7
which lies between 3.5 and 4, correct up to 5 place of decimal. यहाँ पे 5 places में point के बाद 5 point जो है decimal वो 5 place होने चाहिए same. So शुरुआत करते हैं. पहले जो यहाँ पे function है वो लिख देंगे f of x equal to 2x minus log x minus 7. यहाँ पे बता दिया कि lies between 3.5 and 4 के बीच में आंसर है. तो पहले जो 3.5 उसे हम x0 लेंगे और 4 है उसे हम बोलेंगे x1. फंक्शन में रखेंगे वैल्यू f of 3.5 तो आपको आंसर मिल रहा है माइनस 0.54407. और फंक्शन में x की जगह 4 रख रहे हैं तो आपको आंसर मिल रहा है 0.39794. तो 0.5 पे नेगेटिव आंसर आ रहा है और 4 पे हमें पॉजिटिव आंसर मिल रहा है. तो रूज लाइज बिटवीन ये तो हमने लिखा हुआ है पहले से. सो लेट पहले x0 की वैल्यू एज्यूम कर रहे हैं. x0 की जो वैल्यू है वो 3.5 है और x1 की वैल्यू 4 है. अब हमें x2 लेना है. x2 का फंक्शन बाई रेगुलर पार्सल मेथड में फॉर्मूला क्या है, x2 इक्वल टू x0 माइनस x1 माइनस x0 अपॉन f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x0 इंटू f ऑफ x0. ये फॉर्मूला हो गई. सभी वैल्यू हमारे पास है. x0 की वैल्यू है x1 की, x0 की, f ऑफ x1, f ऑफ x0 सभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें आंसर मिल रहा है 3.78875. यहाँ पे हमें आंसर चाहिए 5 डेसिमल में तो आपको 6 डेसिमल तक लिखना है यहाँ पे, या 5 डेसिमल तक लिख सकते हो आप. ये जो x2 आंसर हमें मिला वो आपको वैल्यू मिलेगी इस दोनों के बीच में ही होगी, 3.5 और 4 के बीच में ही आएगी ऑलवेज. अब हम x3 की जो x2 वैल्यू है वो फंक्शन में रखेंगे, चेकआउट करते हैं आंसर क्या मिल रहा है. 0.00094 मीन्स रूट्स के एकदम नज़दीक ही है. माइनस है, माइनस आगे कहाँ पे मिल रहा था हमें, पॉइंट कहाँ पे मिल रहा है, 3.5 पे नेगेटिव मिल रहा है. तो अब 3.5 की रिप्लेस में हम क्या लिखेंगे, 3.78878. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं रूट लाइज बिटवीन 3.78878 एंड 4. इट मींस जो x2 एंड x1 के बीच में रूट है. अब यहाँ पे x0 की रिप्लेस में क्या लिखेंगे, अब x2 रखेंगे. सो x0 जहाँ पे x2 है फॉर्मूला उसमें x0 की जगह क्या रख दोगे आप, x2 रख दोगे. और जो थर्ड सेकंड अप्रोक्सीमेशन है मीन्स हम लिखेंगे x3, x2 की जगह x3 हो गया. फॉर्मूला में x0 की रिप्लेस में आप x2 रख रहे हो तो x2 माइनस x1 माइनस x2, देखो यहाँ पे x2 x0 की जगह x2 हो गया, यहाँ पे x0 की जगह x2 हो गया. सभी वैल्यू हमारे पास है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हमें एक आंसर मिलेगा वो होगा x3 का आंसर. x3 आंसर क्या है, 0.78928. अब x2 और x3 का आंसर चेक करने जाओ तो 2 डेसिमल ऑलमोस्ट सेम आ रहे हैं लेकिन हमें कितने डेसिमल सेम चाहिए, 5 डेसिमल में. अब चेक करते हैं फंक्शन में वैल्यू रखते हैं. फंक्शन में वैल्यू रखेंगे तो क्या मिल रहा है, 0.00003 कर के मिल रहा है. मीन्स ये जो आंसर है बहुत नज़दीक है रूट्स के, पॉजिटिव है. पॉजिटिव कहाँ पे मिल रहा था, आगे की साइड देखने जाओ तो ये दो पॉइंट है उसमें पॉजिटिव कहाँ पे, 4 पॉइंट पे. तो 4 की जगह मीन्स क्या लिखेंगे अब, 3.78928 रखेंगे. सो द रूट लाइज बिटवीन 3.7878 ये वैल्यू और ये वैल्यू के बीच में रहेगा. इट मीन्स जो रूट्स है वो x3 और x2 के बीच में होगा, अदरवाइज x2 x3 लिख सकते हो. तो यहाँ पे जो आपका x1 था x2 में जो फॉर्मूला थी, ये जो x3 वाली फॉर्मूला उसमें रिप्लेस किसकी जगह करेंगे, x1 में पॉजिटिव था, 4 पे पॉजिटिव था, यहाँ पे x3 पे भी पॉजिटिव आ रहा है तो x1 की रिप्लेस में हम क्या लिखेंगे, x3 रखेंगे. तो देखो यहाँ पर फॉर्मूला जो होगी x4 इक्वल टू x2 माइनस x1 की जगह x3, x2 एज इट इज, x1 की जगह x3, x2 एज इट इज. सभी वैल्यू हमारे पास है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, चेक करो आप x3 का आंसर और x4 का आंसर दोनों सेम है.
फाइव डेसिमल प्लेस पे, तो यहाँ पे एक्स थ्री एंड एक्स फोर आर द सेम अप टू फाइव डेसिमल प्लेसेस, देयरफॉर द रूट इज 3.78928। आई होप ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। आगे वाले मेथड में बाइसेक्शन मेथड करें तो उसमें 11 स्टेप पे आंसर आ रहा था, यहाँ पे देखो दो तीन स्टेप में आंसर आ जाता है। मीन्स ये जो मेथड है वो फास्ट मेथड है बाइसेक्शन से ज़्यादा। अगर क्वेश्चन में ऐसा बोला है यूजिंग द बाइसेक्शन मेथड तो आपको बाइसेक्शन से सोल्व करना है, यूजिंग बाई रेगुलर पल्सिंग मेथड तो रेगुलर पल्सिंग से आपको सोल्व आउट करना है। अदरवाइज कुछ बोला ही नहीं है तो आपको जो मेथड लगे वो आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे एग्जांपल नंबर 6, फाइंड द स्मॉलेस्ट रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स माइनस ई टू पावर माइनस एक्स इक्वल टू जीरो, करेक्ट अप टू 3 सिग्निफिकेंस डिजिट यूजिंग बाय रेगुलर पल्सिंग मेथड। यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन जो हम एग्जांपल सोल्व कर रहे हैं यूजिंग बाय रेगुलर पल्सिंग मेथड से ही कर रहे हैं। यहाँ पे आपको एक्स जीरो और एक्स वन कुछ दिया नहीं है तो सबसे पहले हम वैल्यू फाइंड आउट करके एक्स जीरो की और एक्स वन की, उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इसीलिए सबसे पहले हमें इंटरवल डिसाइड करना पड़ेगा कौन से इंटरवल में वैल्यू आ रही है। तो पहले हम फंक्शन रखेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ई रेस टू माइनस एक्स, जीरो से शुरुआत करेंगे पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव पे हम स्टॉप हो जाएंगे। जीरो की वैल्यू रख रहे तो माइनस मिल रहा है मीन्स नेगेटिव आ रहा है। जीरो के बाद वन वैल्यू रखेंगे, टू रखेंगे, थ्री रखेंगे, फोर रखेंगे, जब तक पॉजिटिव वैल्यू नहीं मिल रही तब तक। सो एक्स की जगह हमने वन लिखा सो आंसर मिल रहा है, पॉजिटिव आंसर मिल रहा है तो यहाँ पे हमें स्टॉप हो जाना है। तो हम बोल सकते हैं द रूट्स लाइज बिटवीन जीरो एंड वन। तो जो लेफ्ट साइड मीन्स जीरो एंड वन, जो छोटी वैल्यू उसे हम एक्स जीरो लेंगे और जो बड़ी वैल्यू उसे हम वन एक्स वन लेंगे। सो लेट एक्स जीरो इक्वल टू जीरो एंड एक्स वन इक्वल टू वन। फॉर्मूला हमें पता है बाय रेगुलर पल्सिंग मेथड एक्स टू की जो फॉर्मूला है फिक्स फॉर्मूला है, उसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, सभी वैल्यू रखोगे तो आपको मिल रहा है 0.6127। ये पहला अप्रोक्सीमेशन हो गया। फंक्शन में वैल्यू रखेंगे, चेक करते हैं क्या मिल रहा है, पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है। पॉजिटिव मीन्स यहाँ पे कौन से पॉइंट पे वैल्यू पॉजिटिव मिल, वन पे मिल रही है। वन हमने किससे डिनोट किया है, एक्स वन से डिनोट किया है। तो एक्स वन के रिप्लेस में अब क्या रखेंगे, अब एक्स टू रखेंगे। सो यहाँ पे जो फॉर्मूला नहीं बनेगी एक्स थ्री इक्वल टू या जहाँ पे एक्स वन, अब जो अपर वाली जो फॉर्मूला है जहाँ पे एक्स वन है उसकी रिप्लेस में हम क्या लिखेंगे एक्स टू। देखो चेक कर लो सभी वैल्यू हमारे पास है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे आंसर लेंगे तो आंसर क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है तो वापस पॉजिटिव आ रहा है। इट मीन्स जो एक्स थ्री चेक करते हैं पहले कितने डेसिमल सेम आ रहे हैं, पॉइंट से एक भी डेसिमल सेम नहीं है। अब हम क्या फाइंड करेंगे, एक्स फोर फाइंड करेंगे। सो एक्स फोर फाइंड करने के लिए आपको रिप्लेस क्या करना पड़ेगा, एक्स टू की जगह एक्स थ्री रिप्लेस करोगे आप, क्योंकि एक्स टू पे भी पॉजिटिव आ रहा है और एक्स थ्री पे भी पॉजिटिव आ रहा है तो रिप्लेस एक्स टू एज ए एक्स थ्री। सो एक्स फोर की वैल्यू जो है एक्स फोर इक्वल टू ए मिल रहा है हमें, सभी वैल्यू हमारे पास है, सब्स्टिट्यूट करेंगे आंसर फिर से पॉजिटिव आ रहा है। तो पॉजिटिव का आंसर पॉइंट पे एक्स थ्री पे था, पॉइंट के डेसिमल सेम नहीं हो रहे तो हम वापस आगे स्टेप करेंगे। सो एक्स थ्री की रिप्लेस में एक्स फोर होगा, सो एक्स फाइव इक्वल टू जो फॉर्मूला है एक्स थ्री उसकी रिप्लेस में हम एक्स फोर रखेंगे, बाकी सब एज इट इज रखेंगे, आंसर मिल रहा है 0.5677। थ्री डेसिमल सेम बोले थे हमने तो थ्री डेसिमल तक सेम आ गया 0.567। तो यहाँ पे स्टॉप हो जाना है हमें। सो सिंस एक्स फोर एंड एक्स फाइव आर द सेम अप टू 3 सिग्निफिकेंट डिजिट, सिग्निफिकेंट डिजिट मीन्स डेसिमल पॉइंट जो है वो ही। सो द पॉजिटिव रूट इज 0.567। सो आई होप ये एग्जांपल भी आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।